कहते हैं आज सुबह हुई, और सुबह होते ही क्या हुआ, आज भगवान श्री कृष्ण सुबह उठे और उठते ही उठते जोर जोर से रोने लगे। लीला हुई, एकदा गृहदासीशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यशोदा मैया स्वयं दधि मतलब स्वयं उठ करके दधि मंथन कर रही है। मैया के घर दास दासी बहुत हैं, लेकिन कान्हा की सेवा की बात आती है तो मैया किसी को नहीं सौंपती, खुद सेवा करती। तो सुबह सुबह उठ के मैया दधि मंथन कर रही थी तभी, और मंथन करते करते क्या कर रही थी, मंथन करते करते स्मरण कर रही थी। स्मरंती तान्य गायतः, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण, यानी यशोदा मैया भक्ति कैसे की जाती है वो एक उदाहरण दे रही है कि हाथ से काम और मुख से नाम, ये भक्ति होनी चाहिए। तो जैसे घृषण की, जब सुबह सुबह माताएं, आज से कुछ समय पहले भी होता था, जो बहुत सारी यहाँ वृद्ध माताएं बैठी होगी उनको तो पता भी होगा कैसे दधी मथी जाती थी, उसको रख करके पूरा, कहीं कोई जॉगिंग वॉकिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैया घर में ही पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। पहले माताओं को किसी योगा प्राणायाम की आवश्यकता नहीं होती थी, घर का ही काम इतना होता था मैयाओं को कि बिचारी को एक मिनट बैठने की फुर्सत नहीं होती। पर फिर साइंस आया, विज्ञान आया, तो अब तो ऐसी हालत हो गई कि पूछो नहीं। अब तो जिस मैया को देखो, काई के घुटना दुख रहे हैं, काई की कमर, काई की गर्दन, काई के ये सब क्यों हुआ, क्योंकि शरीर धीरे धीरे काम से दूर होता गया और फिर शरीर जो है वो धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगा। तो ग्रसन हुआ, ग्रसन की आवाज कन्हैया के कान में गई और ठाकुर जाग गए। सुबह होते ही आए भगवान मैया के पास और मैया से जाकर के जिद करने लगे माखन प्राप्त करने की। मैया जानती है जिद्दी तो एक नंबर को है, एक बार सोच ली सो सोच ली, मानेगो नहीं। तो मैया ने गोदी में बिठाया लाला को और बड़े प्रेम से बड़े आनंद से लाला को दूध पिलाने लगी। लेकिन तभी रसोई घर से जोर जोर से आवाज आने लगी, तो मैया को याद आया, रे चूल्हे पर दूध रख के आई थी, वो शायद उबल रहा है, तो भागी बचाने के लिए, कन्हैया को धरती पर रखा और भाग गई। अब ठाकुर जी को इतनी आदत कहाँ है कि वो बैठे और कोई उनको इग्नोर कर दे, तो एकदम लाल पीले हो गए, बड़े क्रोध में आ गए, हमको छोड़ के भैया दूध को बचाने चली गई, बताओ हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही, हमारा कोई मान ही नहीं है, चली गई वहां दूध को बचाने। अच्छा, इतने प्यारे हैं ना मैया को दूध दही, आज इसके दूध दही, हमारे और मैया के बीच में एक ही बाधा है, दूध दही, जब देखो इन्हीं में लगी रहती, हमको तो समय ही नहीं देती, आज ये बीच के कांटे को ही हटा देते हैं, सारे दूध दही है जितने टंगे आज इन सब का स्वाहा किए देते हैं, निकाली बंशी और सारे मटका मटकी फोड़ दिए, सब दूध दही नंद बाबा के आंगन में बहने लगा। अब इतना दूध दही जाए कहाँ, तो भगवान ने एक जरा सी बंशी की ध्वनि बजाई तो जितने भी भगवान के सखाएं सब समझ गए कि मामला सेट है, चलो तारे पहुंच गए, बानर सारे, आज जितने ये राम अवतार में जितने वानर थे ना युद्ध लड़ने वाले, भगवान ने इनको राम अवतार में कहा इस जन्म में तुम मेरा साथ दो, इस जन्म में थोड़ी सी मार खाओ, युद्ध करो, अगले जन्म में माल मिलेगा। तो वही वानर पूर्व जन्म के यहाँ कृष्ण अवतार में ठाकुर जी के सखा बन के आए, वानर सखा, सब आ गए एक आवाज में, सब पहुंच गए और सब मिलके पार्टी चालू। अब यहाँ खटर पटर हो रही, वहां मैया के कान में आवाज गई कि कुछ गड़बड़ का आभास हो रहा है, कुछ गलत हुआ है। मैया धीरे 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 कृष्ण की ओर आगे बढ़ने लगी, कृष्ण की ओर बढ़ती जा रही है। अब कृष्ण तो खाने में मग्न है, बाकी ग्वाल बालाओं को मैया की पायल की आवाज आ गई, सोचा अब निकलो यहाँ से, सब धीरे धीरे भाग गए, वानर तो वैसे भी कान के तेज होते हैं वो भी भागे, अब ठाकुर जी अकेले रह गए।
और मैया दबे पांव होले 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 आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ी। और आगे जैसे मैया नजदीक पहुंची ही कि कन्हैया को लगा कोई पीछे आया, मुड़ के देखा मैया, और जैसे मैया को देखा ठाकुर जी ने दबाई बंसी और भागे। कन्हैया भागे तो आज यशोदा मैया भी पीछे पीछे भागे। इतने दिनन से या की शरारत को बस नजरअंदाज करती आ रही हूं, आज नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आज नहीं रोकी तो यू शरारती बन जाएगो। तो मैया भी पीछे भागी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, हाथ में डंडी और लिए भागती जा रही, भागती जा रही। ठाकुर जी पकड़ में आने वाले हैं, देवता खड़े आकाश में, लाइन लगा करके विमानों की लाइन लगी पड़ी है, देखो देखो, अरे देखो आज क्या होगा, देखते हैं आज मैया जीतती है कि हमारे प्रभु जीतते हैं, ये पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती है। सब ठाड़े हैं, मैया डंडी लेके भागी, खूब भागी, शरीर एकदम थक गया, पसीना आने लगा। तो मैया ने सोचा कि अब मेरे बस की बात नहीं, डंडी फेंक दी और बैठ गई एक जगह। त्यक्त्वा यस्तिम सुतम भीतम यज्ञा भारकम वत्सलाः। सुखदेव जी कहते लाठी फेंक दी, मतलब आप भगवान को पाने के लिए दौड़ रहे हो, हाथ में बड़े साधन हैं, हम तपस्या करेंगे भगवान को पाएंगे, हम जाप करेंगे भगवान को पाएंगे, हम व्रत करेंगे भगवान को पाएंगे, जब तक ये साधना की लाठी लेके भागोगे तब तक कृष्ण पकड़ में आने वाला नहीं। जब सब साधनों की लाठी छोड़ दोगे कि भगवान अब मेरे बस की बात नहीं, मैं हार गया, मैं कब तक आपके पीछे पीछे भागू, हे गोविंद अगर तुम्हारी कृपा हो तो तुम मेरे बस में आ जाओ, जैसे ये लाठी फेंकोगे अभिमान की, भगवान तुरंत आपके पास आ जाएंगे। मैया ने लाठी फेंकी और कन्हैया पास आ गया। मैया को बोले, मैया थक गई, बोले तू ज्यादा मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बात मत कर, आज मैं तेरी बातों में फंसने वाली नहीं हूं, आज तो बांध के रहूंगी। लेके आई भीतर से एक रस्सी और ला करके श्री कन्हैया को बांधना शुरू कर दिया, बांधने लगी, बांधती जा रही है, बांधती जा रही है। ठाकुर जी हाथ जोड़ करके मैया के सामने खड़े हैं और मैया के सामने खड़े हो करके भगवान श्री कृष्ण आज रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में अश्रु है और भगवान का हर एक शब्द कांप रहा है मैया के डर के कारण। उसी रूप का दर्शन हमें इस दामोदराष्टकम के द्वारा कराया जाता है। तो आइए हम सभी थोड़ी देर के लिए दामोदराष्टकम का पाठ करते हैं, जिसको आता है साथ में गान करें, नहीं भी आता तो गोकुल में उस नंद आंगन में पहुंच जाइए और उस दृश्य को देखिए कि कैसा आज डरा हुआ कन्हैया मैया के सामने खड़ा है, मैया हाथ में डंडी लेके डरा रहे हैं और कन्हैया रो रहा है, उसी भाव का दर्शन करते हैं। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन साचङ्कु
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Varam Deva Moksham, Na Moksham Vadimba, Na Chanyam Braneham Varishada Piha, Edam Deva Purnath Gopal Balam.
दामोदर भगवान की जय। ऐसे भगवान श्री दामोदर इस कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को श्री ठाकुर जी के दाम बंधन की लीला हुई है, ऐसे दामोदर भगवान को हम प्रणाम करते हैं। माता यशोदा बंधन के लिए रस्सी लाती है, दो उंगल रस्सी छोटी पड़ती है, लेकिन बार बार रस्सी जोड़ने पर जब समर्पित होती है यशोदा मैया, तो अंत में ठाकुर जी मैया के बंधन में आ जाते हैं। मैया उखल से बांध के भीतर कार्य में लग गई और भगवान ने देखा मैया तो चली गई, और भगवान के आंगन के दो वृक्ष भी कई कई वर्षों से इसी आशा में खड़े थे कि एक दिन इस आंगन में श्री कृष्ण आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। भगवान ने वही किया, उखल को गिरा के दोनों वृक्षों के बीच में उलझा करके जोर से झटका लगाया, वृक्ष धरा पृथ्वी पर आ गिरे और कुबेर के दोनों पुत्रों का भगवान ने उद्धार कर दिया। इस प्रकार श्री दामोदर भगवान हम सब पर कृपा करें, इसी भावना के साथ हम सब दामोदर लीला को यहीं विश्राम देंगे।